डोसे के लिए, डोसे में भरने के लिए, आलू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, उसमें थोड़ा सा डालेंगे काला वाला सरसों और थोड़ा सा जीरा, वो तड़क जाएगा तो फिर उसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, पूरा ब्राउन नहीं करना है, हल्की सी ब्राउन होनी है, मतलब कि इसको थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाना है, थोड़ा गलने जैसी हो जाए। तो इसमें ये आलू उबाल के मैश करके इसमें मिक्स कर देना है। आलू इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके इसको अच्छे से 2-3 मिनट तल लेना है, ताकि अच्छा लगेगी, थोड़ा सा पक जाए 2-3 मिनट। इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर रहे हैं, खट्टा खट्टा, नहीं तो आमचूर भी डाल सकते हैं इसमें। इसको तो फिर से अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के बाद इसको गैस से उतार लेंगे। ये हमारा आलू डोसे का आलू भरने के लिए हो गया है तैयार। अब ये है डोसे का पेपर बनेगा, उसके लिए जो घोल है, चावल इसमें लिया गया है 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल और 1 बड़ा चम्मच चने की दाल। इन सबको धोकर सफाई से मैंने कल रात में भिगो के रख दिया था, और फिर आज सुबह में इन जब ये अच्छी तरह से भीग गए तो मैंने आज सुबह में इन सारे, मतलब कि चावल, उड़द की दाल और चने की दाल सबको एक साथ मिला करके मैंने इस वाले जार में इसको बारीक पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसको सुबह में पीसा था और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो सुबह मैंने इसमें खमीर उठाने के लिए रख के छोड़ा हुआ था, तो अभी देखिए ये थोड़ा सा हो गया है। अब जो बैटर मैंने बनाया है डोसा के लिए, उसमें से मैं थोड़ा सा बैटर ले रही हूँ दूसरी कटोरी में, ज़्यादा नहीं, 4-5 चम्मच में ले रही हूँ। इसमें मैंने जो है स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा गोलकी पाउडर फ्लेवर के लिए डाल दिया है। इसको मैं पतला करूँगी, अच्छा सा पतला सा घोल बनाऊँगी, बहुत पतला भी नहीं कि बिल्कुल पानी हो जाए। घोल को मैंने इतना पतला कर लिया है। अब तवा को, डोसा तवा है ये वाला, इसको गैस पे गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें कुछ बूंद तेल की डालेंगे। तेल की डालने के बाद इस पर जो है काले पत्ते डालेंगे, और डालने के बाद इसको गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, तेल को गीले कपड़े से पूरा तेल को फैला देंगे। अब इसमें जो है ये जो घोल है, घोल को उस पर डालेंगे। अब इसमें बीच में बैटर डालूंगी मैं, इसको फिर हल्के हल्के हाथ से, जिसे फटे नहीं, हल्के हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में इसको फैला दे जाना है।
देखिए डोसे को मैंने डाल दिया था तवा पर, अब देखिए साइड से छूट रहा है ये। इसको हल्के से भी एक बार पलट के हल्का सा सेक लेंगे, इसको इधर से भी और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें जो डोसे के लिए मैंने बनाया था आलू, इसको इसके ऊपर रख देना है। ये मैंने फ्रिज में रख दिया, इसीलिए थोड़ा सा ये हो गया है। रखने के बाद देखिए ये हो गया डोसा सर्व होने के लिए रेडी। ये देखिए मेरा स्वादिष्ट डोसा हो गया है तैयार, और इसके अंदर जो है कितना अच्छा फीलिंग्स भरा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत मुश्किल होती है बनाने में। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।